असलम फैमिली। आई होप ई गाईज आर डोइंग वेरी वेल एंड ग्रेट इन यूर लाइफ तो चले आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट हुआ है दोपहर से ठीक है और मैं अभी थोड़ी देर पहले सोकर उठी हूँ बिकॉज आज तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ी चीज़ें होंगी हमारे साथ ठीक है बहुत फ़नी चीज़ें हो गई एक तो सबसे पहले जो है ना हम लोग ऑब्वियसली अलार्म लगा के सोते हैं मैं भी अलार्म लगाती हूँ हस्बैंड भी अपने फ़ोन पे अलार्म लगाते हैं ताकि सुबह शहरी के लिए उठें और आज पता नहीं क्या हुआ कि आज हमारी आँख ही नहीं खुली दोनों की ठीक है और हमारी आँख खुली है जब फजर की अजान हो गई थी उसके बाद ठीक है और तो मतलब लाइक यार मैंने कहा चलो ठीक है ये हमारे साथ सेकेंड टाइम हुआ है और तो हमने बिना शहरी के ही रोज़ा रख लिया नीयत करके और फिर नमाज वगैरह पढ़ी पढ़ ली और उसके बाद हस्बैंड को ऑफिस जाना था आज आ, तो वो ऑफिस के लिए रेडी हो गए और मैं सो रही थी वह तो नाश्ता वगैरह नहीं होता रोज़ों में तो इस वजह से वो खुद ही मुझे कहते हैं कि वो मुझे उठाते ही नहीं है मैं सो रही थी और वो अपना तैयार वगैरह हो निकल गए ठीक है और वो मुझसे मिल के गए ठीक है और वो चले गए ऑब्वियसली फिर उसके बाद ना आ, उसके बाद दस मिनट के बाद उनकी कॉल आती है मेरे पास और वो कहते हैं कि मतलब इतनी फनी चीज़ हो गई कि हस्बैंड अपना लैपटॉप बैग जो है लैपटॉप वाला जो बैग है उनका ऑफिस का वो ही घर पे भूल कर चले गए ठीक है मुझे इतनी हंसी आ रही थी और तो उसके बाद क्या हुआ कि मतलब फिर उन्होंने मुझे कॉल किया उन्होंने कहा कि आ, जो है वो मैं सो रही थी उन्होंने मुझे कॉल की कहने लगे कि ना मैं यहाँ पर हूँ और तुम जो है ना आ, मेरा बैग निकाल के नीचे ले आओ और आ, तो मैं भूल गया हूँ मैंने कहा कि अच्छा मेरे दिमाग में ये था कि एक लैपटॉप का बैग होता है एक तो बड़ा बैग होता है जो हम नीचे वो पीछे कंधे पर डालते हैं शोल्डर बैग होता है और एक जो है वो होता है जो जिस जो खाली लैपटॉप जिसके अंदर आप रखते हैं तो मेरे दिमाग में ये था कि मैंने कहा कि शायद उन्होंने लैपटॉप का वो बैग जो है कल आए थे ऑफिस से और वो निकाल के टेबल पे रखा होगा किसी चीज किसी रीजन की वजह से और वो शायद वो भूल कर चले गए तो मैंने कहा इट्स ओके हाँ ठीक है मैंने कहा कि मैं ले आती हूँ ठीक है मैं नीचे आई हूँ और मैंने उनके जो है ना स्टडी में देखा है आ, तो बैग रखा हुआ बड़ा वाला बैग मुझे इतनी हंसी आई इतनी हंसी आई और फिर हस्बैंड <laughs> इतनी देर में हस्बैंड भी नीचे आ चुके थे फिर मैंने बैग उठा के उनको देकर आई हूँ तो मैंने कहा कि ये क्या सीन है मतलब आप मतलब ऑफिस का बैग कौन भूल कर जाता है यार मतलब चलो ऑफिस के बैग के अंदर चलो जो चीज रखने वाली होती है वो बंदा भूल जाता है लेकिन ऑफिस का बैग कौन भूलता है जो शोल्डर पे होता है और इतनी हंसी आ रही मतलब जैसे ये तो वो वाली बात होगी ना कि मैं ऑफिस जा रही हूँ मैं अपना हैंड बैग ही नहीं लेके जा रही हूँ मतलब यार मुझे इतनी हंसी आई इतनी क्रेजी चीजें होगी ना आज मैंने कहा यार क्या दिन का स्टार्ट हुआ है हमारा तो खैर तो मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर करती हूँ ये चीज़ कितनी फनी हो जाती ना कभी कभी बहुत ज्यादा इतना मतलब मैं हंसी इतना हंसी और उस वक्त तो खैर टाइम नहीं था इतना ज्यादा तो हस्बैंड से तो चलेगा फिर ऑफिस और फिर मैं आके वापस सो गई मुझे बहुत नींद आ रही थी तो मैंने कहा कि चलो यार मैं ना सो जाती हूँ और मैं आ, सोने से पहले मैं सोच रही थी कि मैं अलार्म लगा लूँ नौ बजे का या साढ़े नौ बजे का तो मैं फिर इतने बजे उठ जाऊँगी और फिर अपना डे का स्टार्ट करती हूँ और मैं अलार्म लगाना भूल गई मुझे नींद आ गई और मैं सो गई ठीक है अब सोई हूँ और फिर उसके बाद आँख मेरी कोई खुली है बारह बजे के करीब आधा दिन मेरा निकल गया और मुझे वीडियो जो है एक वीडियो मेरी एडिट हुई भी रखी थी बट उसका मैंने वॉइस ओवर नहीं करना था नहीं किया था तो वो भी मुझे करना था और मैं नॉर्मली दो से तीन बजे के बीच में वीडियो डालने की मेरी कोशिश होती है कि तीन लाइक चार बजे से पहले पहले मैं डाल दूँ और तो भाई मैं भागी हूँ मैंने वॉइस ओवर फटाफट फट फट उठी हूँ और फिर उसके बाद मैंने वॉइस ओवर किया है फ़ोन अपना वीडियो का और फिर उसके बाद उसको एडिट शडिट किया बाकी थोड़ी बहुत होती है उसकी एडिटिंग रह जाती है ना तो वो किया है फिर उसके बाद मैंने वो अपलोड किया अपलोड होने में भी ऑब्वियसली टाइम लगता है तो फिर मैंने अपनी जहर की नमाज पढ़ी है लेकिन आज मैंने सोचा था कि मैं घर में थोड़ा सा झाड़ू वगैरह लगा दूंगी और मैंने आज कपड़े भी धोए तो बेडशीट धोनी थी और वो मैंने धोई है और इसके अलावा जो है ना बाकी कुछ दूसरे कपड़े धोने थे वो भी मैंने धोए हैं और अभी भी जो है ना मुझे टाल्स धोने थे तो अब मैं सोच रही हूँ कि वो उसके लिए जगह नहीं बचेगी मतलब डालने के लिए ना घर में जगह नहीं बचेगी कोई भी ना तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ मैं कल वो वॉश कर दूँ तो कल मैंने कढ़ाई बनाई थी तो आज खाना तो नहीं बनेगा ऑबियसली और नान हम लोग ले, इतने लाइक शौक से हम लोग नान लेकर आए ना रात को इफ्तार के बाद आ, सामने कॉप से दोनों आ, हमने कहा कि आज ना पराठे नहीं खाएंगे कढ़ाई के साथ ना नान खाएंगे ठीक है और सुबह में मैं साथ में लस्सी बना लूँगी और चाय तो होती है लाजमी और पूरा प्लान है ना चॉपट और अब मेरे सामने नान रखे हुए और मैं उनको देख रही हूँ खैर अब क्या आज ना बर्तन भी धोने वाले हैं सुबह के नहीं सुबह के नहीं आ, कल के थोड़े से अभी मैंने सिंक में झाँक के देखा नहीं है लेकिन ये कि रात के जो है ना वो चावल गर्म किए थे तो वो ऐसे ही मैंने आ, रख दिया था पैन आ, तो वो वॉश करने वाला है और चाय के मेरा ख्याल है कि चाय के बर्तन भी हैं रात में चाय पी थी तो वो भी धोने वाले रखे हुए हैं तो खैर ये वाला ये अपडेट है बाकी ये कि बस ये सीन था मैंने कहा आपसे शेयर करती हूँ और बताती हूँ आप लोग बताए आपके साथ कैसे मतलब आपने भी ऑब्वियसली कोई ना कोई मिस की होगी सहरी क्योंकि हमारा ये सीन होता है कि हम लोग ना रात को जागते नहीं हैं मोस्टली लोग जो है ना रात को जागते हैं और ऑब्वियसली हस्बैंड को अपना ऑफिस जाना होता है तो इस वजह से और मेरी भी ये आदत नहीं है बहुत सारे लोग जो है ना वो पूरी रात जागते हैं लेकिन जो ऑफिस जाने वाले हैं जो कॉरपोरेट में काम करने वाले हैं वो तो बेचारे नहीं सो सकते हैं तो इसलिए सॉरी uh, मतलब वो तो नहीं जाग सकते हैं। तो इसलिए हम लोग ना नहीं जागते हैं। और आप रात तो जाग लो फिर ना आपका दिन निकल जाता है और फिर आ, बड़ा मसला होता है फिर दिन जो है ना दिन आपके पास होना चाहिए यार रात सोने के लिए दिन आपके पास होना चाहिए मतलब ये हम दोनों का है पता भी नहीं चला कैसे गुजर गया ये दस दिन ना बिल्कुल पता नहीं चला लिटरली पता नहीं चला खैर तो बीस रह गए रोजे बहुत जल्दी गुजर जाते हैं दिन खैर एनी हाउ अभी तो मैं उठती हूँ अपने कपड़े निकालूँ और उनको फैलाऊँगी और फिर जल्दी से किचन में जो है ना मेरा मशीन बनने का टाइम आ गया सो so, yeah. <laughs> एयर फ्रायर को अच्छे से वॉश करके भी रखा है यहाँ पर तो कल मैंने जो है ना बल्कि आज मैंने इसके अंदर जो है ना लिक्विड डाल के इसको मैंने रख दिया था एयर फ्राइड में थोड़ी से चार पाँच मिनट के लिए चला दिया था तो मैंने आज ये वॉश करके अभी मैंने रख दिया है और इसके अलावा जो है अब मैं इफ्तार की तैयारी करने लगी हूँ तो सबसे पहले तो आज मैं ये बना रही हूँ दही बड़े बना रही हूँ तो इनको मैं थोड़े से भगो भिगो के तो मैं रख दूँगी थोड़े से बनाऊँगी ज़्यादा नहीं बनाऊँगी और दूसरी साइड पर जो है ना मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कल मैंने बनाई थी कचौरियाँ तो उसमें से मैंने दो बना के सेव करके रख ली थी, थी तो आज मैं इसको भी फ्राई कर लूँगी अभी ऑयल मैंने होने के लिए गर्म होने के लिए रख दिया है तो आज मैं इसको भी फ्राई कर दूँगी दे, देखे मैंने फ्रीज कर दिया था इसको क्लिन शीट लगा के ना ताकि ये इस तरह से स्क्योर हो जाए ख़राब ना हो तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है और अब मैं इसको जो है ना फ्राई कर लूँगी तो आज ये भी हो जाएगा बल्कि अभी मुझे याद है ये ये भी होगा आज ना इफ्तार में यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दी थी इफ्तार बनाना और इफ्तार सबसे पहले जो है ना मैंने स्टार्ट किया था इसको ये जो मैंने बनाई थी बेसन की तो मैंने कहा कि इनको मैं पानी में डाल के रख देती हूँ सोख करके तो ये अच्छे से सोख हो जाएंगे इतनी देर में ये मैं कचोरी जो है इसको मैं फ्राई करने होने के लिए इसको डाल रही थी और साथ ही साथ जो है ना मैंने कहा कि दही भड़ों के लिए अः मुझे योगर्ट को रेडी करके फ्रिज में रख देना था और इसमें मैंने शुगर डाले हैं दो टी स्पून और भर के दो टी स्पून और हल्का सा सॉल्ट क्योंकि यहाँ की जो दही होती है वो इतनी ज्यादा खती नहीं होती है और मैं जो यूज करती हूँ ये लो फैट आ, दही है तो मुझे ये ज्यादा सही लगती है खैर तो इस वजह से काफी जो है ना वो थीन होती है तो इसमें पानी वानी ऐड करने का मुझे इतना कोई खास जरूरत पड़ती नहीं है और उसको मैंने बना के रख दिया और ये पूरीज, तो ये देखें मैं पूरी पता नहीं क्यों कह रही हूँ बार बार आ, कचोरीज रेडी हो रही थी और ऑन दी अदर हैंड मैं पकौड़ों का बैटर रेडी कर रही थी यहाँ पर पकौड़े तो आपको पता है कि मैं कैसे बनाती हूँ लाइक उसके अंदर प्याज आलू पालक ये तो लाजमी मस्ट है बाकी पुदीना और ड्राइड पुदीना वगैरह डालती हूँ मैं खैर और आज जो है ना फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करी थी कि मैं एयर फ्रायर में ये समोसे और रोल जो है ना इनको फ्राई करूंगी और इसको मैंने ऑयल जो है ना बस लगाया ऐसे हाथों से उसको मैंने अच्छे से उस पर लगा दिया था और एयर फ्रायर पे मैंने अभी फिलहाल मैंने पंद्रह मिनट के लिए लगाया था और लेकिन ये कि ये पंद्रह मिनट पे रेडी नहीं हुए थे और इट टेक्स मोर टाइम तो फिर मैंने टेन मिनट्स के लिए और भी फिर लगा दिया तो खैर इन द मीन टाइम यहाँ पर

इमली की चटनी बहुत खूबसूरत लगती है और उसका जायका बहुत ही अच्छा है तो हस्बैंड को तो बड़ी पसंद आई तो मैं टेबल पे रखती हूँ और तो फिर वो जब लेते हैं ना दही बड़े अपनी प्लेट में तो फिर उस पर भी वो अलग से इमली की चटनी ऐड करते हैं अपनी प्लेट में यहाँ पर जो है ना फ्रूट चाट रेडी नहीं की थी और टाइम जो है वो बहुत थोड़ा सा रह गया था लेकिन बहुत ही थोड़ा सा रह गया था तो बस यहाँ पर जो है ना मैं बस जल्दी जल्दी से ना फ्रूट काट रही थी और अच्छा फ्रूट चाट ना मैं लाजमी बनाती हूँ ये हमारी कॉन्सटेंट होती है डेली के लिहाज से क्योंकि फ्रूट्स तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे होते हैं आपकी बॉडी के लिए और इसमें जो है ना वो वाटर भी बहुत होता है हाइड्रेशन बहुत अच्छी रहती है आपकी ना यहाँ पर जो ना मैंने देखा था कि रोल वगैरह का क्या सीन है और तो रेडी नहीं हुए थे फिर मैंने मिनट्स के लिए मज़ीद उसको लगा दिया था टेन मिनट्स के लिए मैंने कहा कि मजीद हो जाएंगे और यहाँ पर फ्रूट चाट जो है वो कट हो गई थी सारी और अभी अंगूर मैंने कट कट करने थे एंड क्योंकि यहाँ पर ना काफी बड़े बड़े साइज में अंगूर होते हैं तो वो फिर ना मैं फुल उसमें नहीं डालती हूँ मैं उनको हाफ स्लाइस करके डाल देती हूँ और मेरा ख्याल है फ्रूट जितना कट करके अच्छा लगता है वो डला हुआ ना तो वो काफी जूसी आपकी फ्रूटर बनती है इज़ आई लाइक थिंक और बेरीज तो मैं ऐसे ही डालती हूँ और देखिए मैंने इसको अच्छे से इसके किनारों को साफ कर दिया था और ये पकौड़ों का बैच है ना लास्ट ही मैं फ्राई करूंगी और बाकी मैं बेसन थोड़ा सा मैं उसको सेव कर लूंगी तो काफ़ी होंगे आज के लिए इतने पकौड़े और क्योंकि कचोरियाँ भी हैं और साथ में जो है ना दही बड़े भी हैं और हाँ रोल समोसे भी हैं तो काफी दिनों के बाद मैंने बनाए थे आज मैंने कहा चलो आज इस, इसको भी ट्राई कर लेते हैं वरना तो मैं डीप फ्राई कर रही थी तो यहाँ पर देखिये माशा से हमारा इफ्तार रेडी हो गया है माशा मेरी इफ्तार रेडी हो गई है और रेडी तो खैर कब की हुई हुई है अभी हस्बैंड आए और मैंने तो रोजा अफतार करके रोजा उतार करने के बाद नमाज भी मैंने पढ़ ली है और लेकिन ये कि हस्बैंड को देर हो गई थी तो वो किसी काम की वजह से कहीं गए हुए थे तो खैर मेरा स्प्रेड रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह ये आ, कचोरी ठीक है ये कल भी बनाई थी जो आज भी मैंने फ्राई कर ली बाकी ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से अब हम हस्बैंड जी आ गए हैं तो अब हम खाएंगे प्रॉब्बली ऑबियसली क्योंकि मैंने तो खाली उतार कर लिया था मैं खा लूं बस श्योर वाई नॉट इट्स फॉर यू और नीचे पाँव में आएगा तो बस ये है और अब हम अपना इफ्तार इंजॉय करेंगे और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को करूँगी एंड आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दिया करें और uh, कॉमेंट भी प्लीज़ ज़रूर किया करें बहुत अच्छा लगता है मुझे आपके कॉमेंट्स और उनका रिप्लाई करना बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगता है और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बहुत हिम्मत बढ़ती है बहुत ज़्यादा करेज और मोटिवेशन मिलती है एंड आई एम थैंक यू फॉर यू ऑल एंड तो चल अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल आपसे मुलाकात होती है एक न्यू ब्लॉग में तो अल्ला हाफिज एंड बाय।